पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को बिहार में जातिगत जनगणना पर अंतिम रोक लगाते समय सबसे ज्यादा ताकत इस बात को लेकर की थी कि जो डेटा जुटाए गए हैं वह सुरक्षित रहे। तो चलिए जानते हैं कि डेटा है कहाँ। पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाते समय स्पष्ट निर्देश दिया था कि अंतिम फैसला आने तक एकत्रित डाटा को सुरक्षित रखा जाए और किसी से शेयर नहीं किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जुटाया गया डाटा निजी और संवेदनशील है, तो क्या सरकार ने इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ अलग तरह के इंतजाम किए थे? यह सवाल पिछले 2 महीने से फिजा में है। सोमवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो यह सवाल और ज्यादा प्रासंगिक हो गया। जैसे ही हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश दिया, कुछ ही घंटे में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर तमाम जिलाधिकारियों के जरिए गणना में लगे सारे कर्मियों तक एक लाइन का मैसेज पहुंच गया कि डाटा को यथास्थिति सुरक्षित किया जाए। दरअसल भले ही सरकार ने 80% काम पूरा होने की बात की है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह आंकड़ा कागज पर जानकारी जुटाने वालों का है, मतलब 80% के करीब लोगों की जानकारी पेपर पर ली गई है। जमा की गई जानकारी डेटा का औसतन 25% भी अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है। जिस सरकारी सर्वर की बात सरकार ने की, उसकी जगह ज्यादातर डेटा अभी पेपर पर ही है। फील्ड से सारी जानकारी कागजों पर ली गई थी, उसे लगातार ऑनलाइन अपलोड किया जाना था, लेकिन कहीं सर्वर तो कहीं लॉगिन इश्यू और कई जगह प्रगणकों पर अत्यधिक दबाव के कारण यह नहीं हुआ। मई के दूसरे हफ्ते में ऑनलाइन अपलोड के काम पर ध्यान दिया जाना था, लेकिन इसी बीच 4 मई को पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने का हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश दे दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यथास्थिति में ऑफलाइन डाटा रखा गया। ऑफलाइन डाटा चूंकि प्रगणक अपने घरों में रखते थे, इसीलिए वह घरों में ही रह गए। सरकारी तंत्र ने इसकी सुरक्षा के लिए कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं की। बता दें कि बिहार में जाति और आर्थिक गणना 2 चरणों में किया जाना था। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती करनी थी। इस चरण में सभी मकानों को सरकार के तरफ से स्थायी नंबर दिया गया। दूसरे चरण में आर्थिक और जाति गणना होनी थी। इसमें लोगों के शिक्षा का स्तर, नौकरी प्राइवेट या सरकारी, गैजेट्स नॉन गैजेट आदि, गाड़ी मोबाइल किस काम में, दक्षता आय के अन्य साधन, परिवार में कितने कमाने वाले सदस्य, एक व्यक्ति पर कितने आश्रित हैं, मूल जाति, उपजाति, उपकी उपजाति, गांव में जातियों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सवाल पूछे जाने थे, लेकिन हिंदू सेना नामक एक संस्था ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में हो रहे जाति और आधारित गणना के खिलाफ जितनी भी याचिका दायर की गई थी, सभी को रद्द कर दिया गया। यही याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया कि वो इस मामले को पटना हाई कोर्ट में रखें। इसके बाद 4 मई को इस पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट हाई कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दिया, लेकिन 9 मई को फिर से सरकार की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर किया गया और इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यहां एक बार फिर बिहार सरकार को झटका लगा।